जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। हम लोग शाहरुख खान के बंगले के पास हैं, मन्नत बंगला जरा इस को देख रहे हैं। शाहरुख खान के बंगले की तरफ, शाहरुख खान के बंगले के पास है यहाँ पे स्थित, और यहाँ पे कुछ लोग है जो शाहरुख भाई को मिलना भी चाहते हैं और उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने जो लोग आए वो एमपी से आए हैं और कुछ लोग यूपी से भी आए, तो आप लोग जरा देख इन तरफ, इनका कुछ मैसेज है शाहरुख भाई के लिए, तो आप जरा बात करें। बोलो बोलो बोलिए। बस इतना ही बोलना है, देखना था खाली कि जैसे आप दिखते हो वैसे ही हो कि कुछ और। और आपके बंगले के बाहर खड़े हैं, इतने दूर से आधी रात में आए, ये बात सही है। तू बोला, सही में मिलना था और कुछ नहीं, बस देखना है। तू बोला तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी शाहरुख भाई ये मैसेज शाहरुख भाई तक के जावे। हाँ। और अपने जो भी फैन है उनके लिए कुछ मैसेज देवे ट्विटर। हाँ। पे। हाँ। जो भी इनके साथ इनको देखने के लिए यहाँ पे आए, और एक हमारे जो आए हैं वो उत्तर प्रदेश से आए, आइए जरा उनसे भी बात करो। हाय, मैं भी बनारस से आई हूँ मिलने के लिए, आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई जान, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और यहाँ मेरे वालिद साहब उमरा पे आए हैं, और तो हम वहाँ उनको छोड़ने के लिए आए थे, तो आपसे मिलना चाहते थे। और हम लोग बहुत ही मुश्किल से आप आए हैं, फिर दोबारा आना होता है या नहीं, क्योंकि हम लोग बड़ी मजदूर हैं और गरीब हैं, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश थी कि सरकार मदीना पे मेरे वालिद साहब चले जाएँ, तो आप दुआ कीजिए। और ये मैं चाहती थी कि आपसे भी मैं मिलूँ, आप सबके भाई जान हैं तो मेरे भी भाई हैं, गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन मिलने की सही से कोशिश और तमन्ना रखते हैं। हम लोगों ने अपनी ट्रेन कैंसिल करवा दी है। हाँ। मिलने के लिए तुम्हें वास्ता है सरकारे मदीना का, कि हम लोगों को दुआओं में याद रखिए। मिले एक बार मिले, मगर मिले। मेरा नाम तस्कीन वानो है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद सलीम है। शाहरुख भाई के फैन बहुत ही शिद्दत के साथ उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप जो भी है अपना ट्वीट करके इन लोगों को जो भी है आपका मैसेज दे दीजिए, भले आप यहाँ पे नहीं है लेकिन आपके फैन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिकंदर खान, बीटीएस न्यूज़, मुंबई।